नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। दोस्तों आपको बता दें, अगले समय में रात से पर्दाफाश होने वाला है। जो जो दोस्तों काले कारनामे हैं, अब उनका कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। दुश्मन भी दोस्तों आपके तलवे चाटेगा और आपको पता लग जाएगा जीवन में ऐसी वो कौन सी गलतियां हैं जिनके कारण आपको अपना जीवन अच्छे से व्यतीत नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों ये सारी जानकारी देंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी। दोस्तों आपका राशिफल बड़ा ही बेहतर रहने वाला है, जो कि दोस्तों इससे पहले आपको शायद ही किसी ने बताया होगा। दोस्तों आपको बता दें कि जीवन में कई सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो जाने अनजाने में आप कर बैठते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं हमारे गुरुजी के एक बड़े ही प्यारे और बड़े ही अनमोल विचार के साथ में। दोस्तों गुरुजी कहते हैं कि जीवन में क्या करना है ये हमें रामायण सिखाती है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में हमें क्या नहीं करना है यह हमें महाभारत सिखाती है। दोस्तों और जीवन को किस प्रकार से आपको जीना है यह हमें श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। दोस्तों यदि आपको ये बात अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इसलिए दोस्तों आपको कोई भी संतान अपने बच्चों को रामायण अवश्य दिखाएं। दोस्तों रामायण के बारे में ज्ञान दें, उसी के साथ में महाभारत भी उनको दिखाएं। दोस्तों महाभारत से उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद ही दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता को आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, ज़रूर अपने बच्चों को भी सुनानी चाहिए। दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हर हिंदुस्तानी को और स्पेशली हर हिंदू को होना ज़रूरी है। दोस्तों जीवन में आने वाले समय में क्या करना है क्या नहीं करना है ये बहुत सही राह मिलने वाली है। दोस्तों गुरु जी का ज्ञान अच्छा लगा हो, सच्चा लगा हो तो लिख दीजिए राधे राधे, जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके राशिफल के बारे में, कैसा रहेगी दोस्तों आपके आने वाले दिन, आइए जान लेते हैं। किन चीज़ों को लेकर सावधान रहना होगा। कार्य आपके लिए बड़े भाग्यशाली बन रहे हैं और दोस्तों नए क्षेत्र में कार्य व्यापार में नई वृद्धि मिलने वाली है। दोस्तों चाहे आप जितना भी अपने जीवन में तेज गुस्से के शांत रहें, यूँ कहें तो दोस्तों आपको अत्यधिक क्रोधित नहीं रहना है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि थोड़े समय के बाद में ही आप दोस्तों पुनः शांत हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस गुस्से की अवधि में कि आप लोगों को कुछ ऐसा बोल जाते हैं या फिर दोस्तों आप कुछ ना कुछ ऐसा वचन भी दे देते हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों मित्रों के साथ में घूमने फिरने पर आपको अपना समय व्यतीत नहीं करना है। कोई भी नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों इस समय युवाओं के लिए जो ये दिन होगा, दिन खास और अच्छा रहने वाला है। दोस्तों आप जिस भी बात को लेंगे तो वो उसका सोना बना लेंगे। दोस्तों इस समय परिवार संबंधी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इसकी खास तकलीफ आपको नहीं होगी। दोस्तों समाज में आपको नाम और सम्मान दोनों मिलेगा। जिन लोगों के साथ में कुछ समय में संबंध ठीक नहीं चल रहे थे, उनके साथ में भी संबंध आपका अच्छा रह सकता है, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित रहेगा। दोस्तों इन दिनों में आपको शनिदेव की कृपा से नई नई जानकारियाँ हासिल करना तथा अन्य अपने दिनचर्या में शामिल करना आपके व्यवहार में आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने कार्य को अंजाम दे पाएंगे और सफलता भी आपको मिल सकती है। दोस्तों इन दिनों में आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ कार्य करने से भी सावधान रहना होगा। आप जिस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं उन्हें आपको धोखा भी दे सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आपको एक निश्चित दूरी बनाकर रखनी है। शेयर सट्टा आदि जैसे जोखिम कामों से आपको दूर रहना है। और दोस्तों आपके अच्छे कर्म होने के कारण, अच्छे कर्म भाव होने के कारण और आपने पिछले समय में शनिदेव की भक्ति भाव अच्छी रखी है, शिव शंकर की भक्ति की है और बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, उसके चलते दोस्तों आपको शनिदेव ने एक ऐसा वरदान दिया है, ऐसा चमत्कार भी होने वाला है दोस्तों, जिससे कि दोस्तों आपके जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव देखने को नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों संतान पक्ष की तरफ से इन 5 दिनों में आखिरी में एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जो आपके जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। दोस्तों आपको बता दें कि व्यापार के संबंधित क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य होने वाला है और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि दोस्त के साथ में बात ना बिगड़े। इसके साथ ही दोस्तों परिवार के लोगों के विरोध की वजह से निर्णय में बदलाव कर लीजिए, यह आपके लिए बेहतर रह सकता है। इसके साथ ही दोस्तों लाभकारी दिन है,
अपने विदेशों पर पूरा ध्यान दीजिए, अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। और दोस्तों, पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों में भी आपको अपने निर्णय को सर्वोच्च रखना है। रिश्तेदारों के साथ में व्यवहार करते समय व्यवहार में थोड़ी सरलता रखना आवश्यक रहेगा, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और दोस्तों, इतनी सारी खुशखबरी और कामयाबी के साथ में आप आगे बढ़ते रहेंगे, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि आपको अपने स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, कि आपके लिए समय बेहतर होने वाला है। और इसके साथ ही दोस्तों, घर में भी उचित समय व्यतीत करने से पारिवारिक लोगों की खुशी में आप शामिल हो सकते हैं, तथा उचित सामंजस्य भी समय बना रहेगा। प्रेम संबंधों में समय प्रवणता आने वाली है। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपके स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों, सार्वजनिक और मानसिक तनाव हावी हो सकती है। इस समय वर्तमान नकारात्मक वातावरण से अपना बचाव जरूर करें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए इस समय बेहतर होने वाला है। दोस्तों, जिस व्यक्तिगत लक्ष्य को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसके लिए दोस्तों आपको ध्यान बढ़ाने की आवश्यक है। लक्ष्य के कारण जीवन में सुधार ला पाना संभव हो सकता है। और दोस्तों, अभी का समय मानसिक रूप से कठिन महसूस हो सकता है। संयम और शांति से काम लेने की आवश्यकता है, उसके लिए आपको बड़ी प्रगति भी मिल सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, हर एक व्यक्ति की अपेक्षा आपको पूरी करने की कोशिश में आपका नुकसान हो सकता है। हर एक जिम्मेदारी आगे बढ़कर निभाने की कोशिश में आपकी कार्य क्षमता कम हो सकती है। आपके लिए लोगों का विश्वास भी कम हो रहा है। चुनिंदा कामों का चुनाव करके उन्हें बेहतर तरीके से आप करें। काम से संबंधित तनाव आपकी गलती की वजह से हो सकता है, इसलिए दोस्तों, वक्त रहते आप अपनी गलती को सुधार लीजिए। ये आपके आने वाले दिनों के लिए काफ़ी बेहतर स्थितियां उत्पन्न करेगा। इसके साथ ही दोस्तों, आपके करियर के लिए जो समय होगा, इस समय कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। और दोस्तों, कार्य क्षेत्र में भी रुके हुए काम में गति आएगी। दोस्तों, व्यावसायिक पार्टियों के साथ में संबंधों को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करें, क्योंकि ये संबंध आपके भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। इसके साथ ही दोस्तों, इस समय आपके करियर के लिए जो समय होगा, दोस्तों इस समय व्यावसायिक स्थल पर आपका दबदबा बना रहेगा। कर्मचारियों के साथ में आपका उचित तालमेल रहने से कार्य भी सुचारू रूप से चलते जाएंगे। दोस्तों, इस समय मार्केटिंग संबंधी कार्य भी, इन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, इस समय रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, इस समय आपके व्यवसाय के लिए जो समय होगा, दोस्तों इस समय व्यवसायिक दृष्टि से समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपकी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुछ नए अनुमान भी इस समय प्राप्त होंगे। और दोस्तों, आर्थिक स्थिति में भी इस समय सुधार होगा। दोस्तों, आपके स्वास्थ्य के लिए बात कर लें कि इस समय फालतू जो है जानवरों के साथ में छेड़छाड़ ना करें, उनके द्वारा आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी नुकसान भी इस समय हो सकता है। और इसके साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होगा, गैस या फिर कब्ज की शिकायत रह सकती है। अपने खान पान या फिर दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके स्वास्थ्य के लिए उचित होगा। इसके उपरांत दोस्तों, आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होगा, इस समय वर्तमान नकारात्मक वातावरण से अपना बचाव करना आपके लिए अति आवश्यक होगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।